हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरपी म्यूजिक्स एंड एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल में मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूँ। आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि प्लस टू की व्यवस्था को किस तरीके से भारत सरकार ने चेंज कर दिया हुआ है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और उनके पेरेंट्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा ये वीडियो आप एंड तक पूरा देखें और समझें कि हमारी शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। कल 29 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और उसमें प्लस टू की जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बदल करके एक नया फॉर्मेट दिया गया है और वो नया फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। अब इस फॉर्मेट का डिटेल जान लें। जो शुरुआत का है 5, उसका मतलब है नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक की क्लासेस। इसमें स्टूडेंट्स को फाउंडेशन कोर्सेज बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा और उनके बेसिक नॉलेज को खेल कूद के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से इतना अच्छा बनाया जाएगा कि उनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा हो। दूसरा है आपका सेकंड स्टेज 3 ईयर्स का होगा, जो क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का होगा, जिसमें बच्चों को विशेष उनके भविष्य के लिए जो सब्जेक्ट्स वो लेना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाएगी और उससे रिलेटेड उनको एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 3 इयर्स का 6, 7, 8। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि अब अगर कोई स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट क्या करना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, तो वो पढ़ाई करते करते अपनी इंटर्नशिप को भी इसी 3 साल में पूरा कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने, 3 साल में ही वो अपने इंटर्नशिप को पढ़ाई करते करते ही पूरा कर सकता है, पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट स्टेज जो आएगा आपका 4 साल का, उसमें क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की होगी, जिसमें क्या होगा कि बच्चों को व्यावसायिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो बच्चा जैसा पढ़ाई करना चाहता है, जिस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करना चाहता है, वो कर सकता है। अब जो स्ट्रीम रूल था वो खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम रूल से मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि अगर मैं बायोलॉजी ले लिया तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता या आर्ट्स के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता। अगर मैं आर्ट्स ले लिया तब तो बायोलॉजी और मैथ्स के क्लास में घुसने तक का स्टूडेंट को परमिशन नहीं होता था, वो उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकता था। बट अब आगे से ऐसा नहीं होगा, इस स्ट्रीम व्यवस्था को बदल दी गई है। उसके लिए भी एक योजना तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज को पढ़ लेगा कभी भी, लेकिन जो फाउंडेशन थी उस फाउंडेशन को खत्म कर दिया गया है। अब कुछ नए नियम आपके सामने लाए जाएंगे, वो क्या है अभी क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही नए नियमों को क्लियर किया जाएगा मैं आपके सामने में दोबारा एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ये सिर्फ स्कूल लेवल के लिए नहीं है, ये जो चेंजेस हुए हैं वो केवल स्कूल लेवल तक चेंज नहीं हुए हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल में भी हो गया है चेंजेस पूरी तरीके से। पहले स्कूल लेवल को क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को लेकर के जाऊंगा ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्लास 9 से 12 का बीच का समय होगा वो उसका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा। जी हाँ, जो छात्र पहले क्या करते थे कि साल के अंतिम 2 महीने पढ़ लिए और मेन एग्जाम को फाइट करके अपना काम चला लेते थे, तो उनके लिए ये बुरी खबर है भाई, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होगी। मेरे थोड़ी खुशी हो रही है, मेरे चेहरे में जो खुशी हो रही है उसको, उसके पीछे रीजन ये है कि जो बच्चे आलसीगिरी दिखाते थे, साल भर पढ़ना छोड़ करके सीधा सीधा 2 महीने बस पढ़ते थे और किसी भी मार्क्स से पास हो जाते थे, उसके बाद उनको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होती थी, है ना, वो अब नहीं होगी। इसके पीछे का खुशी मेरा, मेरे खुशी के पीछे का कारण सिर्फ इतना है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि हर बच्चा लगन से पढ़े और ईमानदारी से पढ़े, और अब हर बच्चे को ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी ही होगी। हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम होगा, मतलब आप पूरे साल अब आपको पढ़ना ही होगा। तो ये एक खुशखबरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा डिटेल होगी। जितनी ज्यादा डिटेल होगी आपका, अगर नॉलेज उतना ही अधिक होगा बच्चों, तो इसको गलत रो में लेकर के मत जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये था क्लास 1 नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलिए हम चलते हैं जो ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में जो चेंजेस आए हैं, यहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है चेंजेस आए हैं दोस्तों।
अब ये चेंजेस हैं क्या? पहले क्या होता था कि अगर आप क्या करें, फर्स्ट ईयर में क्लास अटेंड कर लिए और उसके बाद अगर आपकी किसी मजबूरी की वजह से अगर आपने वो कोर्स वहीं इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मतलब आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की है और आपने उसके बाद आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाए, डिसकंटिन्यू हो गया, तो ऐसे में क्या होता था, आपको किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर कोई बंदा एक साल की पढ़ाई कर लेता है, बारहवीं के बाद एक साल कॉलेज करता है, तो उसको कोर्स सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो दो साल पढ़ाई करता है उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो दो साल में उसको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट पूरा तीन साल पढ़ाई कर लेता है ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो उसको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी। और अगर कोई बंदा पूरे चार साल पढ़ाई कर लेता है, जी हाँ चार साल, अब जो ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन टाइम है वो चार साल का है, तीन और चार दोनों साल का है। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हो, हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते हो, तो आप तीन साल में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर डिग्री को हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, हायर एजुकेशन से मेरा मतलब है पीएचडी से, ठीक है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप चार साल का ग्रेजुएशन कोर्स करोगे, जिसमें चौथे साल में आप लोग को रिसर्च के साथ में बैचलर डिग्री आपको दे दी जाएगी, जिसके बाद आपको एमफिल करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। जैसे ही आपका चार साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आप क्या कर पाओगे, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। तो है ना, बहुत ही अच्छी बात। तो बहुत सारी नए फैसले लिए गए हैं जिससे हमारे पूरे देश को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले क्या होता था, एससीईआरटी ये वो दुनिया भर की बहुत सारे नए नए रूल थे, अब पूरे भारत में एक ही रूल लागू होगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में एक ही प्रकार का रूल लागू होगा। और जो एजुकेशन सेक्टर होगा नर्सरी से क्लास 12 तक, तो वहां सीधा सीधा एनसीईआरटी के रूल्स एक्टिव होंगे और ये हर स्कूल के लिए एक्टिव होगा, जरूरी है हर स्कूल को इसको फॉलो करना। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है और ये आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते, आप लोग सबको ऐसा इन्फॉर्मेशन देता रहूं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को टच करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक जरूर करें। एक और चीज, मैं पूरे दिल से चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं अपने किसी भी वीडियो में अपने वीडियो को शेयर करने की बात नहीं कहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी इंफॉर्मेशन हर एक पर्सन के पास होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि सभी के पास ये इंफॉर्मेशन हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे जो एजुकेशन सिस्टम आने वाला है उसका लुत्फ उठाते रहिए। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।